नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का पहला आर्टिकल जो हमारा है ये सिरा सेक्ट के संबंध में है, धारा 370 जो कि समलैंगिकता को डिक्रिमिनलाइज करती है, उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। क्या है ये सिरा सेक्ट, हम जानेंगे इस आर्टिकल में। तो चलिए जो दूसरे आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं, दूसरा आर्टिकल वैक्सीन के संबंध में है। वैक्सीन की जो वितरण प्रणाली है उसे कैसे हम बढ़ा सकते हैं और आज का जो हमारा सिस्टम है ये क्या इस नई वैक्सीन को सब लोगों तक पहुंचा पाएगा, उसके बारे में ये बात करता है और क्या कदम है जो उठाए जा सकते हैं। अंत में न्यूज़ इन फ्लैश होता है जिनमें हम महत्वपूर्ण समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ, उससे पहले आपको लॉ सीखो के प्रोजेक्ट मैवरिक के बारे में बताना चाहूँगा। ये कोर्स 100 रुपये की राशि में अवेलेबल है। अगर आप क्लैट या कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये कोर्स बहुत ही ज़्यादा लाभकारी हो सकता है, आपकी बहुत सी मदद कर सकता है। तो ये कोर्स के बारे में ज़रूर जानकारी लीजिए लॉ सीखो की वेबसाइट पर जाकर। तो आज के MCQ पेयर आते हैं, वो यह है कि मानस नेशनल पार्क निम्न में से किस राज्य में है। आपका ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है गुजरात या ऑप्शन डी असम। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो वर्णात्मक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, वह यह है कि डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी इज डेफिनेटली अ स्टेप फॉरवर्ड इन इंश्योरिंग बेसिक ह्यूमन राइट। तो यहाँ पर जो होमोसेक्सुअलिटी पहले एक अपराध हुआ करता था, सुप्रीम कोर्ट ने इसे डीक्रिमिनलाइज करा, मतलब इसे अपराध की श्रेणी से बाहर निकाला। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का कदम था ये कहीं ना कहीं एक बेसिक ह्यूमन राइट जो आपके मानव अधिकार है, मूलभूत मानव अधिकार है, उस और एक बहुत ही अच्छा कदम था। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की क्या बात रही है इसके बारे में, सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपना स्टैंस रखा हुआ है, क्या मानना है सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में, वो आपको बताना है। तो इसकी एक विस्तृत चर्चा करते हुए आपको आपका उत्तर 250 शब्दों में लिखना है। तो चलिए सिरास एक्ट के बारे में बात करते हैं। सिरास एक्ट क्या है, तो यहाँ पर एक डिमांड उठी है कि सिरास एक्ट को लाना चाहिए जो कि एक पावर देगा, एक्स पोस्ट फैक्टो पार्डन देगा ये। तो यहाँ पर जो भी 370 के अंतर्गत जिनको अपराधी माना गया है उन सबको ये माफ़ कर देगा, क्योंकि एक ऐसा कानून जो कि मानव अधिकार के विरुद्ध हो। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया है, मान लीजिए 29 फरवरी को उन्होंने डिक्रिमिनलाइज करा इसे, पर जो 28 फरवरी को जिसको बुक किया गया था वो तो अपराध की श्रेणी में आएगा, फिर उसकी क्या गलती है। तो ऐसा सफरिंग ना हो इसको देखते हुए इसकी बात करिए, सिरास एक्ट लाया जाए जो कि एक्स पोस्ट फैक्टो पार्डन दे। तो यहाँ पर कौन है सिरास, इनके बारे में जानते हैं। तो सिरास जो है एक प्रोफेसर थे, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस के। 2010 में इनकी मिस्टीरियसली डेथ हो जाती है। इनकी डेथ के बारे में कैसे डेथ होती है, क्या होती है, कभी भी मिस्ट्री बनी हुई है जो सुलझी नहीं है। तो यहाँ पर 2010 में इन्हें सस्पेंड कर दिया गया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, क्योंकि इनका कहना था एडमिनिस्ट्रेशन का कि इन्होंने ग्रोस मिसकंडक्ट करा है। क्या था ये ग्रोस मिसकंडक्ट, ये यह था कि इन्होंने कंसेंशुअल सेक्स करा विथ अनादर मैन। तो इन्होंने यहाँ पर शारीरिक संबंध बनाए थे एक दूसरे पुरुष के साथ में। महत्वपूर्ण ये है कि ये कंसेंशुअल थे, लेकिन कानून जैसा कहता है 370 उस समय कहती थी कि ये क्राइम है 2010 में। तो इसी को देखते हुए इसे क्रॉस मिसकंडक्ट माना गया और इन्हें निलंबित कर दिया गया। उसके बाद में ये मामला ले गए अलाहाबाद हाई कोर्ट। अलाहाबाद हाई कोर्ट में इनका जब मामला चला तो यहाँ पर इनके मामले पे जो एडमिनिस्ट्रेशन ने एक निर्णय दिया था उसको अलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और यहाँ पर प्रोफेसर रामचंद्र सिरास की जीत हुई। उसके बाद में इनको इनकी जॉब वापस मिली, लेकिन अप्रैल 7, 2010 को इनकी हत्या हो जाती है। कैसी हत्या हुई, कैसी इनकी मृत्यु हुई, ये सवाल सुलझाई नहीं कभी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऐसा ही एक लॉ एलन ट्यूरिंग लॉ 2017 में यूके में आया। तो इस लॉ जो लाया गया था एलन ट्यूरिंग लॉ, ये भी इसी उद्देश्य से लाया गया कि ये एमनेस्टी और पार्डन दे, जो कि पहले ही ऐसे अपराध हो चुके हैं, तो टू दोस कन्विक्टेड ऑन कंसेंशुअल सेक्स रिलेशनशिप। तो जैसे हम एक्स पोस्ट फैक्टो इस लॉ की डिमांड करते हैं, ऐसा ही सेम लॉ यूके में आ चुका है। तो इनके ना ये भी एलन ट्यूरिंग जो थे एक साइंटिस्ट थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, जिन्होंने
वर्ल्ड वॉर टू में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। अलग अलग जो मैसेजेस आते थे उसको ये डिकोड करते थे, क्रैक करते थे। तो यहाँ पर इनने इतनी बड़ी भूमिका इनके देश के लिए निभाई, उसके बावजूद इन डेंस यहाँ पर इन डिसेंसी अभद्रता इनका आचरण को अभद्र मानते हुए 1942 में इनको 1952 में इन्हें सजा दे दी गई। फिर उसके बाद में बात आती है भारत की, कि हमने कानून की तो बात कर ली, लेकिन कब इसे डिक्रिमिनलाइज करा गया? तो 2009 में नास फाउंडेशन वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली, इस केस में माना गया कि होमोसेक्सुअल एक्ट जो है वो क्राइम की कैटेगरी में नहीं आएंगी जब तक ये कंसेंटिंग एडल्ट्स के बीच में हो। 2013 में इस चीज़ की पुनरावृत्ति करते हुए, दोहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नास फाउंडेशन केस में कि होमोसेक्सुअलिटी डिक्रिमिनलाइज करते हैं हम, और यहाँ पर अगर ये कंसेंटिंग एडल्ट्स के बीच में होता है। 2018 में नवतेज जौहर एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में भी यही बात को दोहराया गया। अगर आपको इन रामचंद्र सिरास की स्टोरी के बारे में जानना है तो हंसल मेहता की एक मूवी आई थी अलीगढ़, बड़ी ही दिलचस्प मूवी, जिसमें बताया गया था कि एक होमोसेक्सुअल पर्सन को किस यातनाओं से गुजरना पड़ता है, कितना मेंटल ट्रॉमा से उन्हें गुजरना पड़ता है, कैसी ज़िंदगी होती है उनकी, सिर्फ उनके सेक्सुअल ओरिएंटेशन के कारण क्या क्या उन्हें झेलना पड़ता है, कैसे उनको सोशली बायकॉट किया जाता है। तो अगर आप जानना चाहें तो ये मूवी बड़ी ही दिलचस्प हो सकती है आपके लिए, ज़रूर देखिएगा। अब बात ये आती है कि सिरास एक्ट की तो बात करी गई है, लेकिन जो होमोसेक्सुअल पर्सन है उनसे जुड़ी हुई और भी कुछ चीज़ें हैं। जैसे अगर हम आज भी देखें तो हमारे पास में ऑल जेंडर रेस्टरूम्स नहीं है, ट्रांसजेंडर्स के लिए सेपरेट हमारे पास में यहाँ पे वॉशरूम टॉयलेट्स नहीं हमें मिलते हैं। सेम सेक्स मैरिज जो है उसको अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, सेम सेक्स पार्टनर बेनिफिट नहीं मिलते हैं, जेंडर न्यूट्रल पेरेंटल लीव पॉलिसी भी नहीं है। तो ऐसे बहुत से कदम हैं, ये तो अपना सिर्फ एक ही कदम होगा अगर हम सिरास एक्ट लेकर आते हैं, तो उसके आगे लड़ाई और लंबी है इनके जो होमोसेक्सुअल पर्सन है इनके मानव अधिकारों के लिए। तो चलिए जो हमारा दूसरा आर्टिकल है, एक्सपेंसिव इक्विटेबल एंड स्टडी वैक्सीनेशन ड्राइव। वैक्सीनेशन ड्राइव ने बड़ा जोर पकड़ चुकी है, टीका उत्सव भी चालू हो चुका है, लेकिन बात आती है वितरण की। तो 10 अप्रैल तक अगर हम देखें तो 100 मिलियन डोसेस कोविड-19 वैक्सीन के भारत ने वितरण करें, डिलीवर करें। तो यहाँ पर इस मार्क को पहुँचने वाली हमारी सबसे फास्टेस्ट कंट्री थी। इतने कम समय में इतना बड़ा मार्क किसने अभी तक अचीव नहीं किया हुआ था, 100 मिलियन प्रोड्यूस करिए लेकिन समय ज़्यादा लगाया था। तो भारत में ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन यहाँ पर जो डिलीवरी स्पीड है, वितरण की जो स्थिति है उसे और स्केल अप और बढ़ाने की आवश्यकता है। तो जो स्पीडी वैक्सीनेशन ड्राइव है इसके तीन स्तंभ है। पहला प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, कि यहाँ पर जो वैक्सीन है उसकी उपलब्धता बढ़ाएं। तो ये कैसे बढ़ सकती है? फिनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए, हमको धन चाहिए। दूसरा हमारे पास में ह्यूमन रिसोर्स चाहिए जो कि हाईली स्किल्ड और स्पेशलाइज्ड हो, विशेष ज्ञान रखता हो इसी भी क्षेत्र में। उसके अलावा हमारे पास में सिस्टम होना चाहिए, तो फॉलोइंग ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, साथ में गुड मैन्युफैक्चरिंग जो प्रैक्टिसेस सेटअप है इनको भी फॉलो करना ज़रूरी होता है। उसके अलावा ट्रेंड वैक्सीनेटर्स, तो जो वैक्सीनेशन लगा रहे हैं, जो नर्सेस वैक्सीनेशन लगा रहे हैं, इनका ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास में ऑलरेडी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वर्कफोर्स है जो कि अभी तक दूसरी जो वैक्सीन होती है वो लगा रही है, उसमें मदद करती है, लेकिन कोविड-19 के लिए माना गया है कि ये इनफ नहीं है, ये सफिशेंट नहीं है, ये पूर्ण नहीं है अपने आप में, क्योंकि कोविड-19 अपने आप में ये पहली बार है कि ऐसी कोई बीमारी महामारी जिसमें वैक्सीनेशन इतने बड़े लेवल पर लगाना है, तो ये अपने आप में एक सीमा हो जाती है, एक लिमिटेशन हो जाती है। उसके अलावा ट्रेनिंग मस्ट बी रोबस्ट एंड कंप्लीट, ट्रेनिंग जो है वो पूर्ण होनी चाहिए और उसके साथ ही साथ प्रभावी भी होनी चाहिए। एक्टिव कोलैबोरेशन बिटवीन डॉक्टर्स नर्सेस आशा वर्कर्स टेक्नीशियंस फ्रॉम प्राइवेट फैसिलिटीज, तो यहाँ पर प्राइवेट फैसिलिटी से भी जो डॉक्टर है नर्सेस है आशा वर्कर्स हैं टेक्नीशियंस हैं इनको सामंजस्य बिठा के एक्टिव कोलैबोरेशन के साथ में काम करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा वैक्सीनेशन सेंटर्स की भी अगर हम बात करें तो इनको एक्सेप्टेबल और एसेसिबल बनाने की आवश्यकता है कि सब लोग जाकर यहाँ पर वैक्सीनेशन आराम से ले सकें, यहाँ पर भेदभाव ना रहे,
उसके साथ में एडिक्वेट स्पेस हो, जो वैक्सीनेशन हो रही है उसको मॉनिटर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैक्सीन इक्विटी की अगर हम बात करें तो ऑल दो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रायोरिटाइज द वल्नरेबल सेक्शन, कि जो वल्नरेबल सेक्शन है उनके प्रायोरिटाइज करना तो ज़रूरी है क्योंकि इनकी जान को ज़्यादा खतरा है, लेकिन द नीड ऑफ द आर इज़ ऑल्सो टू वैक्सीनेट द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सिटीजन्स। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नागरिकों को हम कैसे वैक्सीनेट करें ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए न्यूज़ एंड फ्लैश की ओर आते हैं। तो डिजिटल कला फेस्टिवल दिल्ली में ये चालू किया गया है। बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, हमारी कॉन्स्टिट्यूंट जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके चेयरपर्सन थे। बड़ा योगदान है हमारे देश में, केवल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दूसरे और क्षेत्रों में भी इनका काफ़ी योगदान है। तो इनके यहाँ तो इनकी 130वीं बर्थ एनिवर्सरी में दिल्ली गवर्नमेंट ने फर्स्ट एडिशन ऑफ बाबा साहेब अम्बेडकर डिजिटल कला फेस्टिवल की शुरुआत करी। तो ये एक सप्ताह लंबा एक एग्जीबिशन रहेगा जिसमें बाबा साहेब अम्बेडकर हैं, इनके जीवन के बारे में बताया जाएगा और कैसे सोशल रिफॉर्मर और कैसे ये एक क्रांतिकारी थी, क्रांति लाए थे हमारे समाज में भी, समाज के और भी बहुत बड़ा इनका योगदान है, उस बारे में ये एग्जीबिशन लगा हुआ है। उसके बाद में जो दूसरी खबर है ये कोविड-19 वैक्सीन के संबंध में है। तो डेनमार्क ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो है इसे बैन कर दिया है। क्यों बैन करा है? इसके पीछे रीज़न ये है कि WHO साथ ही यूरोपियन मेडिसिन वॉचडॉग जो है इन्होंने बताया था कि इसके काफ़ी साइड इफेक्ट आ रहे हैं जो कि सीवियर है। इसको देखते हुए डेनमार्क ने ये कदम उठाया है। अगली खबर हमारे क्षेत्र से है, दक्षिण एशिया से है, अफगानिस्तान के संबंध में। तो यहाँ पे नाटो ने अफगानिस्तान से प्रस्थान करने का निर्णय ले लिया है, साथ ही US की जो फोर्सेस है वो भी यहाँ से निकल जाएंगी। तो करीब 10,000 US एंड नाटो ट्रूप्स जो है वो यहाँ पर डिप्लॉयड थे, इन्होंने यहाँ से निकलने की तैयारी करी। तालिबान को देखते हुए नाटो और US जो है वो अफगानिस्तान में आए थे। अब एक कहीं ना कहीं शांति स्थापित करने की बात की गई, तालिबान की तरफ से भी ये बात की गई, इसी को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। तो चलिए हमारा आज का विश्लेषण यही समाप्त होता है। अधिक जानकारी के लिए आप लॉ सिको की वेबसाइट www.lawsico.com विजिट कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, जागरूक रहिए। Stay tuned to Law Sico.